P equal to 1 upon 3 mR upon V into V square bar. ठीक है, ये जो आपने कल का डिस्कशन था उसको कंटिन्यू किया. ठीक है, ये जो है कंडीशन अगर यहां पर आ जाए इफ n इक्वल टू एन ए. एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर. दिस इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. तो m इंटू एन ए इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल M. ओ ये क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल M. इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. तो P इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 m/v इंटू वी स्क्वायर बार. b स्क्वायर बार को आप कहोगे 3 pv/m. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो अंडर रूट v स्क्वायर बार इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 pv/m. v स्क्वायर बार को आप कहते हैं Vrms. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 rt/m. क्यों? क्योंकि बिकॉज pv इक्वल टू rt. ठीक है, आप देख सकते हैं Vrms इक्वल टू अंडर रूट 3 rt/m. चेक कीजिए, pv के बदले मैंने लगा दिया rt, तो आपके पास में ये फॉर्मूला. ठीक है, आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, या अभी अगर इसे यहां पर rt के बदले नहीं लगाना चाहें तो आप इस इक्वेशन को 3 pv/mv कह सकते हैं, क्योंकि v बार स्क्वायर का मतलब हो गया v स्क्वायर बार मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, और अंडर रूट लग गया तो हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम इसे क्या कहते हैं बेटा लाल? डेंसिटी. बहुत बढ़िया, तो आप Vrms स्क्वायर को Vrms को आप क्या कह सकते हो, आपको इक्वेशन ये भी मिल सकती है अंडर रूट 3 p/√. आप देख सकते हैं Vrms इक्वल टू अंडर रूट 3 p/√. ठीक है, यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2. मान लीजिए मैं आपसे कहूं फॉर फ्रॉम pv इक्वल टू rt, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिंस कर दीजिए इसे pv इक्वल टू rt. यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ pv इन इक्वेशन 1. तो v rms इक्वल टू अंडर रूट 3 rt/m. आप देख सकते हैं फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए क्या होता है ना, m कांस्टेंट रहता है. कोई भी गैस होगी, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, सबके लिए m की वैल्यू अपनी कांस्टेंट है, r पहले से कांस्टेंट है, तो v rms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे
अंडर रूट टी यहां पे रखिए, वी आर एम एस यहां लीजिए तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं फॉर एनी वन गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, किसी एक गैस के लिए लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, T1 एंड T2, यहां पे फॉर्मूले में पुट कीजिए, V1 RMS इक्वल टू अंडर रूट 3 RT1 अपॉन M, V2 RMS इक्वल टू अंडर रूट 3 RT2 अपॉन M, बेटा लाल आपके पास में फॉर्मूला होगा V1 RMS अपॉन V2 RMS इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, चेक कीजिए, अंडर रूट T1 अपॉन T2, गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट हो बताइए। अगर मैं आपसे कहूं फॉर टू गैसेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर द टू गैसेस, सॉरी टू गैसेस ऑफ द मासेस M1 एंड M2 एट सेम टेम्परेचर T1 एंड T2, then V1 RMS equal to under root 3 RT upon M1, V2 RMS equal to under root 3 RT upon M2, divide कर दीजिए, तो V1 RMS upon V2 RMS अंडर रूट M1 अपॉन M2, M2 अपॉन M1, चेक कीजिए, कहिए जी ठीक है। यहां पर आपने जो फॉर्मूला लिखा, इससे यहां से आपके लिए मैं एक इक्वेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग जिद कर रहे हैं, तो V1 RMS अपॉन V2 RMS, मान लीजिए दो गैसेस हैं जिनका प्रेशर अगर सेम है तो डेंसिटीज के इनवर्स में होगी उनकी, रूट मीन स्क्वायर प्लस में, ये ठीक है, चेक कीजिए, चेक कीजिए। एनीवन हैविंग द डाउट हियर प्लीज से, किसी को भी डाउट हो बताइए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल is known as molecular kinetic energy. एक molecule की kinetic energy को आप molecular kinetic energy कहते हैं, ठीक है? P equal to आपने formula पढ़ा 1/3 m n a over v into v square bar. m क्या है? ये एम जो है बेटा लाल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं इसे ये लिखूं एम वी स्क्वायर बार, तो बच्चों लोग इसे 3PV अपॉन एन ए लिखा जा सकता है, क्यों बच्चों? 1/2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, कहिए ठीक है, बुरा मानेंगे आप तो? चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए, यस सर, ये जो हो जाएगा ना हेयर,
वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर बार, सर इसे हम कहते हैं ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगी ई इक्वल टू थ्री अपॉन टू पी वी अपॉन एन ए। सिंस पी वी इक्वल टू होता है आर पी, सो ई इक्वल टू थ्री अपॉन टू आर अपॉन एन ए इंटू टी। आर अपॉन एन ए, जरा गौर से देखो, इसे हम लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ई इक्वल टू थ्री अपॉन टू के बी टी। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज ई प्रोपोर्शन टू। यहां से बच्चों लोग हम एक जीरो केल्विन की डेफिनेशन बनाएंगे, जीरो केल्विन, देखो जिन लोगों को ऑफलाइन में इजिली आ मिल रहा है वो लोग आ जाइए, चैप्टर मिस करने की जरूरत नहीं है। कल मॉर्निंग में 11 o'clock पर फ्लूड का रिवीजन होगा, तो आप लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाइए। जीरो केल्विन आपने एक डेफिनेशन दी, वी आर एम एस स्टार्ट तो हो ही गई है, यहां से आप एक डेफिनेशन बनाएंगे, सो जीरो केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो। ये वो टेम्परेचर है जहां पर जाकर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल की जीरो हो जाती है, या फिर एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। देख सकते हैं आप लोग, आपको मैंने एब्सोल्यूट जीरो की दो डेफिनेशन वहां पर भी बताई थी। एक मिनट, क्लियर? अब जरा गौर से देखें, यहां पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं वो E इक्वल टू थ्री बाई टू के बी टी लिख रहे हैं, है ना? E इक्वल टू थ्री बाई टू के बी टी आप लिख रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी, अब अगर मैं आपसे कहूं तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहाँ पे पहले बना देता हूं नोट बेटा लाल, ये काइनेटिक एनर्जी कितने की है, वन मॉलिक्यूल की। अगर वन मोल गैस होती, फॉर वन मोल गैस कल की रिकॉर्डिंग, मैं आपको ऑनलाइन, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, कल ऑनलाइन वाले में नोट्स चले गए थे, शायद रिकॉर्डिंग नहीं गई थी, आज भेज दूंगा। फॉर वन मोल गैस, अगर वन मोल गैस होगी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी थ्री बाई टू आर टी। आप देख सकते हो, या फिर आप एक काम करो, क्या लिखोगे, वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थ्री अपॉन टू के बी टी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द वन मोल। ये जो सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन डिफाइन करेगी इसको वन मॉलिक्यूल। तो
kb into ma, it is equal to r. So e equal to 3 upon 2 r. ठीक है, अब अगर देखा जाए, मैं यहां पे टाइटल बाद में लिखूंगा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो थी बेटा लाल 3/2 के बी थी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये ई 1/2 एम वी बार स्क्वायर होता है, लेकिन अगर कल की बात याद करो तो यहां क्या बन जाएगा, 1/2 एम थ्री अपॉन टू के बी टी। अब जरा इसे देखो, ये क्या बन गया मालूम, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, चेक कीजिए, यानी कि हर टाइप की एक काइनेटिक एनर्जी है। कितने मोशन थे, 3D में थे मोशन, इसीलिए यहां पे 3 आया। यानी कि जितने टाइप के मोशन उतने टाइप की एनर्जी उसमें इक्वली डिवाइड हो गई। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड in its all the types of motion, check कीजिए, check कीजिए, so its moment of inertia I equal to 2/5 mr square, r कम है तो I will be very less, will be very less. So rotational kinetic energy half I omega square also be very less. इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी। सो मोनो एटॉमिक गैस सो अरे
मेथड टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएट होंगी उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. आप देख सकते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस will be 3. F से रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 होगी. अगर यहीं पर मैं डायएटॉमिक गैस लेके चलता फॉर डायएटॉमिक गैस, अब डायएटॉमिक गैस क्या हुआ, मान लीजिए ये 3D प्लेन, कौन सी गैस हो गई, O2 N2 N2 ठीक है, और H2 ETC पंजाबी चैनल. अब जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो लीनियर होता है, X Y Z. सर एक मोशन हो सकता है इसका एक्स एक्सिस में, देख लीजिए ये एक बारी में रोटेट कर सकती है वाई एक्सिस के अबाउट, एक बार में रोटेट कर सकती है जेड एक्सिस के अबाउट, यानी कि यहां पर एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की हो गई हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगी हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर. लेकिन इसका अपना रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि थिन रॉड है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर,